गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह का भी टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं माँ पाटन देवी के दर्शन के लिए। तो आप लोग भी चलिए करते हैं माता का दर्शन। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं रास्ते में। ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ और ये है बाहर का सीन। तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ बट माता का बुलावा मुझे इतने दिनों में नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आने के लिए प्रोग्राम बना लेती थी कुछ ना कुछ हो जाता था और मेरा जो प्लान है वो हमेशा कैंसिल हो जाता था। और शायद आप लोग को लग रहा होगा कि शायद मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ या कुछ, बट ऐसा नहीं है। इससे 4-5 बार पहले भी मेरी प्लान बन चुकी थी और मैं यहाँ नहीं आ पाई थी, क्योंकि माता ने शायद मुझे बुलाया नहीं था। लेकिन आज अचानक में ही यहाँ आने का मौका मिल गया है और मैं यहाँ आ गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 15 साल से मैं यहाँ आना चाह रही थी बट जब भी मैं यहाँ आने वाली रहती थी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरा प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता था, बट माँ ने बुला लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग लाइन में लग गए हैं। अभी सुबह का समय है तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है और थोड़ी देर बाद यहाँ भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो हमारा दर्शन हो गया है, प्रसाद हमने चढ़ा दिया है। अब हम लोग बाहर भी शिवलिंग वगैरह है तो यहाँ पे भी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी बहन भी आई हुई थी तो वो भी गई थी, तो हम लोग सभी लोग यहाँ साथ में गए थे। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। माँ ने बुला लिया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये काफ़ी टाइम से मैं जाना चाहती थी तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये लोग भी यहाँ पे शिवलिंग पे जल अर्पण कर रहे हैं। मेरी बेटी भी है और हस्बैंड, हम लोग सभी लोग आ गए हैं तो यहाँ पे शिवलिंग पे जल हम लोग अर्पण कर लेते हैं पहले। और आई होप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा यहाँ के दर्शन करके। मुझे भी बहुत शांति मिली तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे होता है। वैसे भी जब भी किसी की शादी होती है तो नए जोड़ों को यहाँ आना पड़ता ही है, बट मैं नई से पुरानी हो गई, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई लेकिन मेरे ससुराल वाले कभी मुझे यहाँ लेके नहीं आए तो मैं खुद ही चली आई, क्योंकि अब तो मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और मैं भी एजेट हो ही गई हूँ। ये है मेरी बहन और ये है उनके पति। सो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी यहाँ का दर्शन नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आइएगा दर्शन करने, सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और पूजा वगैरह हमारी हो गई है और यहाँ कनक खिंचवा रही है फ़ोटो। तो यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए एक साइड में बनाया हुआ है और यहाँ पे आप आसानी से फ़ोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी पूजा हो चुकी है, ये देखिए जब तक हम लोग पूजा करके निकले लाइन जो है वो एकदम रोड तक चली गई है, बहुत बड़ी लाइन हो गई है। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया और अब हम यहाँ से कहीं और घूमने चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और ये थोड़ा अंदर है तो वहाँ पे हम लोग को गाड़ी रिक्शा कुछ नहीं मिला तो हम लोग को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा पैदल ही। और अब आ गए हैं हम लोग यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ अंदर कुछ कैप्चर करने को नहीं मिलने वाला है। ये देखिए, तो बस इतना ही आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अंदर का जो कुछ मैंने थोड़ा ही सा कैप्चर किया था बट वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने मुझसे मोबाइल लेके सारे पिक्चर और जो भी वीडियोस थे वो डिलीट कर दिए हैं। तो बस यहीं तक।